सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान
एक रिश्ता कायम करता है। उम्मती होना ये रिश्ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो हमारे नबी है, हम उनकी उम्मत में है। अब ये रिश्ता जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अता फरमाया, ये कितना मजबूत रिश्ता है, कितना गहरा रिश्ता है और किस कदर काम में आने वाला रिश्ता है। रिश्ते जो दुनिया के हमारे होते हैं, खून के रिश्ते, ये रिश्ते सिर्फ उसी वक्त तक होते हैं जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं। वालिदैन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहनों का रिश्ता हो, जितनी भी रिश्तेदारियां हैं और ताल्लुक है, ताल्लुकात हैं, इन सब का सिलसिला उसी वक्त तक कायम है जब तक हमारी सांसें चल रही। और जैसे ही हमने इस दुनिया से अपनी जिंदगी का रिश्ता तोड़ा, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और टूट जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन पर ईमान ले आने की बरकत से, उनकी अकीदत व मोहब्बत की बरकत से वो रिश्ता कायम हुआ है कि जो यहाँ का है और वहां भी काम ले आने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तफसीर में खुद इरशाद फरमाया और आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये लोगों, नबी ईमान वालों से उनकी जानों से ज्यादा करीब है। और अंग्रेजी में इसका तर्जमा एक ऐसे न्यूट्रल स्कॉलर ने वही तर्जमा किया है जो कुरान का सही मफहूम है। ये कोई बरेली का तर्जमा नहीं है, ये हैदराबाद के मसायल का तर्जमा नहीं है, ये वो तर्जमा है जो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक है और कुरान को जानता है। वो कहता है अन्नबी जो औला दिल मुस्लिम अमिन अनफुसिह, द प्रॉफिट इज क्लोजर टू द बिलीवर देन देमसेल्फ। नबी ईमान वालों के साथ उनकी जानों से ज्यादा करीब है और उनका रिश्ता उनके साथ गहरा। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मुमिनिन इल्ला व अना औला नास बिही फिद दुनिया वल आखिरा। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो उस पर ईमान रखता हो, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता हो, इस ईमान के बाद अब उसके साथ मेरा रिश्ता दुनिया में भी और आखिरत में भी हर रिश्ते से ज्यादा मजबूत। दुनिया के रिश्ते जब तक हम उनसे फायदा उठाते हैं, उसका लुत्फ हासिल करते हैं, लेकिन आखिरत में जो रिश्ता है ये सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है जो काम में आने वाला है। और सरकार ने इसकी जमानत दी है कि जो भी ईमान वाला है उसके लिए मेरा खौफ, मेरी नजदीकी उतनी ही ज्यादा है कि जैसे मैं उसकी जान से ज्यादा करीब हूँ कब्र में भी और हश्र में। बाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इस्लाम की सही तालीमात को, इस्लाम के अकीदे को उन्होंने समझा और अपने किरदार से और अपनी तालीमात से समझा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना ये ईमान का एक बुनियादी मुतालबा है। अकीदे रिसालत सरकार के रसूल होने पर ईमान ले आना ये उतना ही जरूरी है जितना अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आना। रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दफा बाजार में अपने लिए एक घोड़ा पसंद करवाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र, आपका तज़किरा माहे रबीउल अव्वल की आमद से पहले हो या माहे रबीउल अव्वल में हो या माहे रबीउल अव्वल के बाद हो, सभी की हो, ये इसलिए होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है और उनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र के साथ शामिल रखा है। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ नमाज बिरतु जुकिरता माई ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां जहां और जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा साथ ही साथ आपका जिक्र भी किया जाएगा। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां अल्लाह का जिक्र तन्हा हो और रसूलुल्लाह का जिक्र वहां से अलग कर दिया गया। हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ضمن إله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، الله نے اپنے نام کو نبی کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، ایسا ملا دیا ہے کہ پانچوں وقت اذانوں میں مؤذن اللہ کا نام بھی لیتا ہے اور رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں कि इस्लाम की कोई भी इबादत ऐसी नहीं है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर की जा सकती है। पूरा कुरान आप पढ़ डाले, कोई भी एक आयत ऐसी नहीं मिलती है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला इबादत की तफसील हमें बताता है। ये फरमाया कि मुसला आतुल जका, नमाज कायम करो, जकात अदा करो, लेकिन या अल्लाह नमाज कैसे पढ़े, नमाज का तरीका क्या है, कयाम किस तरह करें, रुकू किस तरह होगा, रिकातें कितनी होगी, फजर में कितनी होगी और मगरिब में कितनी होगी, कुरान की किसी आयत में ऐसी कोई तफसील नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मेरा हुक्म यह है कि इबादत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, और फिर फरमाया, मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे उसे ले लो और जिससे वो रोक दे उसे रुक जाओ, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें सिखाते और बताते। सरकार ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखो, मेरी नमाज की नकल करो, मेरे कयाम की तरह कयाम करो, मेरे रुकू की तरह रुकू करो, मेरे सुजूद की तरह सुजूद करो, मेरे कादे की तरह कादा करो, मेरी नकाली करते जाओ, मेरी अदाओं की नकल करो, जवाब अदा हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को इस कायनात में नूर बना कर भेजा और ऐसा नूर बना कर भेजा कि उस नूर की बेमिसाली पर कुरान खुद चाली फरमाया, वो नूर है, जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, नूरुन फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि नूरुन ये आम है, इसमें इतलाक है, वो नूर है। कैसा नूर है? वो जाहिर का भी नूर है, वो बातिन का भी नूर है, वो मानवी नूर भी है, वो इसकी नूर भी है, वो रूहानी नूर भी है, वो नूर का भी नूर है। नूरानियत इस दर्जे की है कि अगर नूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जातो सिफात को अलग कर दिया जाए तो नूर खुद में नूर हो जाए। और सरकार की विरासत के वक्त
सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अलैह सरकार के चचा थे, सबसे छोटे चचा। सरकार की विलादत के वक्त वो तशरीफ फरमा के मौजूद थे। विलादत के वक्त जो अजायब व गराइब जाहिर हुए, नुमाया हुए, उनको उन्होंने अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद उनकी एक नज्म है, ये कसीदा है, तवील कसीदा है और ये कसीदा अहादीस की किताबों में इमाम काजी आयाज ने शिफा शरीफ ने, खसाइस ने इमाम सुयूती ने, जादुल माद ने, इब्न क़य्यिम ने, दलाइलुन नुबुव्वा में खून के भाइयों के साथ वो नहीं कर सकते, नहीं करते जो उन मुंह बोले भाइयों ने कर दिया। एक सहाबी साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो, फरमाया या रसूल अल्लाह, हमारे पास जो कुछ है हम आधा अपने लिए रखते हैं और आधा अपने मुहाजिर भाई के लिए पेश करते हैं। अगर हमारे पास दो मकान है तो एक हमारा होगा और एक हमारे मुहाजिर भाई का होगा। दो दुकानें होगी, एक हमारा होगा एक हमारे मुहाजिर भाई का होगा। दो बाग होंगे, एक हमारा होगा एक उनका होगा। यहां तक कि अगर हमने से किसी के पास दो बीवियां होगी, हम अपनी एक बीवी को तलाक देंगे, वो इज्जत गुजार कर हमारे मुहाजिर भाई से निकाह कर लेगी ताकि उसका घर आबाद हो। ये बात कबूल नहीं की गई लेकिन उनकी तरफ से पेश कर थी, उनका जज्बा था, उनका इखलास था और सरकार के बनाए हुए इस भाईचारे पर उनका इतना यकीन था और उन्होंने उसको ऐसा निभाया कि तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं थी। पूरी इंसानी तारीख में सरकार के इस मुआफात की कोई मिसाल नहीं थी। आपने ये भी सुना होगा, नौजवानों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सोशल साइंस के जिम्मे में ये बताया जाता है कि ह्यूमन राइट्स चार्टर, इंसानी हुकूक का जो दस्तावेज है, ये सबसे पहले यूएनओ ने इस्टेब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन या अकवाम मुत्तहिदा। ये इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं होती। अरे लिखे लोग जानते हैं आप, यूनाइटेड नेशन कब कायम हुआ? यूएनओ का प्याम दूसरी आलमगीर जंग के बाद हुआ। अब उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन कायम हुआ और उसके बाद ये ह्यूमन राइट्स का चार्टर काम में आया, लेकिन उससे हजारों साल पहले अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के तमाम हुकूक तफसील के साथ बयान फरमाया। ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़्वा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। फरमा दिया कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। औलाद के हुकूक, औरतों के हुकूक, खानदानी हुकूक, जितने भी इंसानी जिंदगी के जरूरी हुकूक हैं और रिश्ते हैं, उन सब का जिक्र उसको कहे हजरत वदा में मिलता है और हदीस की किताबों में वो मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख में पहले वो शख्स है, पहली वो जात है जिसने सारी इंसानियत के दुख दर्द का मजावा अपने इरशाद में फरमा दिया।
ये पहला वाकया था तारीख का, जब अल्लाह के रसूल ने सारी इंसानियत के लिए जो जरूरी जरूरी चीजें हैं उनका बयान करवा दिया। अब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीन का, उनके एहसान का अंदाजा लगा सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी का रिश्ता उम्मती के साथ इतना गहरा है और इतना मजबूत है कि इस दुनिया में भी काम में आता है। कदम कदम पर अगर रसूलुल्लाह की कोई गुलामी करता रहे तो वो यहाँ भी खुश रहेगा, और फिर अगर आखिरत में अल्लाह के रसूल ने उसकी शफाअत फरमाई तो वहां भी खुश रहे, यहाँ की भी जमानत और वहां की भी जमानत। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात इस दुनिया के रिश्ते और इस दुनिया के ताल्लुकात के मुकाबले में उन सबको एक तरफ रखिए, और सरकार जो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस रिश्ते को जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायम फरमाया है उसकी अहमियत का अंदाजा लगा। तो सरकार की विलादत तारीख का सबसे बड़ा वाकया, सरकार की विलादत इंसानियत पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा एहसान, और ऐसा एहसान कि जो अबदी है, हमेशा रहेगा और कायम है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने यकीनन बेशक तमाम ईमान वालों पर एहसान करवाया। अब जानते हैं आप कि एहसान उसी वक्त तक बाकी रहता है जब तक उससे हम फायदा उठाते रहते हैं, और अगर उस एहसान से हमको अगर किसी ने कोई चीज तोहफे में दी है, एहसान किया है, उससे हम फायदा उठाते रहते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं, और जब वो चीज गुम हो जाए, खो जाए, कोई ले जाए, उससे फायदा फायदे का सिलसिला बंद हो जाए, तो फिर एहसान भी खत्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये एहसान ईमान वालों पर है और हमेशा के लिए है, यानी रसूलुल्लाह अल्लाह के एहसान की हैसियत में इस कायनात में हमेशा मौजूद है और उनके एहसान का सिलसिला जारी है। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही, इसी रिश्ते को जो नबी के और उम्मती के दरमियान है, उन्होंने कहा क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सौ बार कर चुका है आसमान इम्तिहान हमारा। क्या मतलब कि मुस्लिम कौम तारीख के हर जमाने में मिटाए जाने की, उसको मिटाने की कोशिश की गई, होती रहती है, हती हो रही है, और ये सिलसिला जारी है, लेकिन मिटती नहीं। ये कौम मिटती नहीं है, न उसका वजूद मिलता है, न उसकी तहजीब मिलती है, न उसका अदब मिलता है, न उसका इल्म मिलता है। वो सारी नियामतें जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है उनको अल्लाह ताला ने तमाम बख्शा है, और ये सदका है उस रिश्ते का जो इस उम्मत का मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका उम्मती होने की वजह से उसकी बरकत है और उसका सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को जिंदगी अता फरमाई है, वकार अता फरमाया है, इज्जतें अता फरमाई है। ये रिश्ता जितना मजबूत होगा, जितना गहरा होगा, उसी कदर तुम्हारे एहसास में और वकार में इम्तियाज पैदा होता चला जाए। इस रिश्ते में अगर कमजोरी आती है, इस रिश्ते में अगर दूरी पैदा होने लगती है, उसी का नतीजा होता है कि हमें सजाएं मिलती है।
मजबूत बनाओ, इस रिश्ते को ताजा रखो इस तरह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने आप को वाबस्ता है। ये मीलाद शरीफ सीरत के जलसे हो या मीलाद शरीफ, ये इसीलिए कि उम्मती का अपने नबी के साथ जो रिश्ता है, इस रिश्ते को ताजा रखा है और भूलने न पाए कि हमारे नबी की विलादत की तारीख क्या है, उनके हालात क्या है, उनकी सीरत क्या है, उनके अखलाको आदात क्या है, और सरकार की ये भी अल्लाह की तरफ से उनको रब ने ये मर्तबा अता फरमाया है कि वो बेमिसाल है, उनकी हर सिफत बेमिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेमिसाल बनाया, उनकी हर सिफत को बेमिसाल किया। वो अपने किरदार में बेमिसाल, वो अपने अखलाक में बेमिसाल, वो अपने इल्म में बेमिसाल, वो अपने फजल में बेमिसाल, वो अपने अखलाक में बेमिसाल। कुरान में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र फरमाया। सिर्फ बशर मिस्लुकुम ही कुछ लोगों को नजर आता, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों आयात बल्कि बाद इल्मे बाद उलमा अहले हक और अहले इंसान के नजदीक जो सारा कुरान अल्लाह के रसूल की मद व सना, अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सब नाते मुस्तफा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बहुत सी ऐसी आयतें और सूरतें जो बिल्कुल साफ, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान जब आप पढ़े तो इस नजर से भी पढ़ा दें, जिस उसने सरकार द्वार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदहोसना कहा था, पूरी पूरी सूरतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई सिर्फ सरकार की मदहोसना में डाले। इन्ना अतैना का कौसर सरकार की मदहोसना है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा सरकार की मदहोसना है, वशम्सि वदुहाहा सरकार की मदहोसना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेमिसाली का जिक्र कुरान में फरमाया, फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। अल्लाह तबारक व तआला सरकार को मुखातब करके उनकी हयात तय्यबा की कसम खाता है, कसम हो तुम्हारी जिंदगी की। आप जानते हो कि कसम इसलिए खाई जाती है, अपनी बात को साबित करने के लिए, बात को यकीनी बनाने के लिए, सुनने वाले को कोई शको शुभा न रह जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला की जात जो हर शको शुभे से बाला है, वो अपने प्यारे रसूल की हयात तय्यबा की कसम खाकर उनकी जिंदगी की बेमिसाली को जाहिर फरमा रहा है। इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ए महबूब, आपकी हयात की कसम, आपकी जिंदगी की कसम, ये काफिर नशे में है और भटक रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐलान नबूवत के बाद कुफार मक्का ने दलील कर, आप अल्लाह के नबी हैं, आपने दावा किया है, क्या दलील है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर चाहते, अल्लाह ने उन्हें ये अख्तियार अता फरमाया था, वो जमीन का सीना चीर कर अपना मौजूदा दिखा सकते थे और अपनी नबूवत का सबूत फराहम फरमा सकते। वो अगर चाहते तो आसमान की तरफ इशारा करते, आसमान आसमान शक हो जाता और नबूवत की दलील मिल जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं फरमाया, उन्होंने कोई मौजजा नहीं दिखाया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कुरान उसका जिक्र करता है। फरमाया फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबलिही अफला तअक्लून,
ए नादानो, मैं अब से पहले 40 साल जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में और अपनी जिंदगी में फर्क समझ सको? एक नबी की जिंदगी कितनी पाकीज़ा और कितनी बेमिसाल होती है, क्या तुमने ये मेरी जिंदगी में नहीं देखा? कभी मुझको झूठ बोलते हुए देखा, कभी वादा खिलाफी करते हुए देखा, कभी किसी का हक मारते हुए देखा, कभी बाजार में किसी के साथ धोखा करते हुए देखा, खयानत देखी। कोई भी ऐसा है जो आम इंसानी जिंदगी में उसके किरदार की तरफ, बदकिरदारी की तरफ इशारा करता है? अगर हो तो बताओ। किसी के पास जुबान न थी कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मक्के में उन्हीं के दरमियान गुजारी हुई 40 साल जिंदगी के किसी भी गोशे पर कहीं उंगली रख सकता और ये कह सकता कि यहाँ पर कोई ऐब पाया जाता है? इसी बात को आला हजरत ने फरमाया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खास से दूर है, यही शम्मा है कि धुआ नहीं। सारी इंसानियत में अगर कोई जिंदगी बेमिसाल है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है। और फिर उस जिंदगी का हर शोबा बेमिसाल है, उस जिंदगी का हर अंदाज बेमिसाल है, उस जिंदगी के बाद की हर अदा बेमिसाल है। मीलाद पाक का मकसद यही होता है कि हमारे और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान जो हमारा रिश्ता है अपने नबी के साथ, हम उस रिश्ते की हिफाजत, उस रिश्ते को मजबूत बनाए, अपनी औलाद को, अपने खानदान को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात सुनाए, उनकी बेमिसाली बताएं, उनकी वो खूबियां बताएं जो सिर्फ उन्हीं में पाई जाती है और दुनिया के किसी शख्स में कभी नहीं, कहीं नहीं पाई जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हर अदा को और हर अंदाज को अपनी कुदरत का और अपने वजूद का आईना बना दिया। उनको देखो तो अल्लाह की कुदरतों पर ईमान बढ़ता चला जाए। वो है कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज पैदा कर, सैयदुल वजूद है, हर वजूद उनके सदके से है, उनकी वजह से है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ पैदा फरमाया, उन्हीं का सदका है और उन्हीं की वजह से। वो जो न थे तो कुछ न था, अल्लाह फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान। वो न होते तो जमीन का फर्श समेट दिया जाता, वो न होते तो आसमान का शामियाना खेच दिया जाता, वो न होते तो चांद सितारों की बस उठा दी जाती। इन सब का मौजूद होना दलील है कि रसूलुल्लाह जलवागर है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। इस कायनात की जान है वजूद पाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके वजूद की बरकत है। और इस उम्मत पर अल्लाह का ये कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनकी उम्मत में होने का शरफ अता किया। अंबिया दुआ फरमाते थे, या अल्लाह हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल फरमा। हमारा जो मर्तबा है, हम अपने मर्तबे को, अपनी हैसियत को भूल गए। हम कोई मामूली और नहीं है, कोई मामूली वजूद नहीं है। हमारा वजूद रसूलुल्लाह के वजूद से वाबस्ता है।
हमारी हयात रसूलुल्लाह की हयात से वाबस्ता, हमारा किरदार रसूलुल्लाह के किरदार की तस्वीर होनी चाहिए, उसका नस होना चाहिए। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने यही किया। उनके पास जाने नहीं था, लेकिन जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोबत और गुलामी का लुत्फ हासिल फरमाते थे, हजरत हसन बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते, हजरत हसन बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने 130 साल की जिंदगी अता फरमाई। 60 साल इस्लाम से पहले और 60 इस्लाम के बाद। इस्लाम से पहले का जमाना भी उन्होंने देखा, जाहिलियत का दौर भी देखा, और फिर इस्लाम के बाद इस्लाम का उरूज भी देखा, सहाबा की गुलामियां भी देखी, सरकार का कमाल भी देखा, और वो कोई आम आदमी नहीं थे, आराबी नहीं थे, बदू नहीं थे, शायर थे, बाशूर थे, पढ़े लिखे थे, जमीन थे। उन्होंने हर चीज को बहुत तनकीदी नजर से देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का जिक्र उन्होंने भी अपने नतीजे में करना। सरकार की विलादत के वक्त हजरत हसन बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 60 साल। वो तशरीफ फरमाए, फरमाते हैं, तल्लाही मा हमलत उनसा वला वदाद, तल्लाही मा हमलत उनसा वला वदाद मिसल रसूल नबी आदि। अल्लाह की कसम, कोई औरत इस तरह के वजूद से हामिला नहीं हुई और न किसी औरत ने ऐसा बच्चा जना जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। सुभान अल्लाह की कसम खा करते थे, तल्लाही मा हमलत उनसा वला वदाअत मिसल रसूल नबी की उम्मत आदि। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए, सिर्फ इस उम्मत ही के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए रहमत बना कर दी। और अल्लाह ने ऐसा फर्ज फरमाया इस इंसानियत पर उनको भेज कर कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुरेकार को और आप सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने प्यारे हबीब महबूब हुजूर सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी उस निस्बत को जो अल्लाह ने हमें दी है मजबूत बनाए, उसे ताज़ा रखे, और किसी भी नेमत पर कहीं से भी उसे कमजोर न होने दे। किसी ने दुनिया की भी बनाई है और आखिरत की भी बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की हाजिरी कबूल फरमाए और इस माह मुबारक की जो बरकत है, सरकार की विलादत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमतें दुनिया पर नाजिल हुई है उनसे हम सबको मालामाल फरमाए। वाकुरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।